हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और आज हम जानेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम किसी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो तरीका है किसी बॉडी को चार्ज करने का, उसको हम बोल सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किन्हीं भी दो बॉडीज़ को आपस में हम लोग रब करके क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। कोई भी दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ ले लीजिए, उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जब आप रब करेंगे तो फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन पैदा होने के कारण क्या होगा, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होने का मतलब उनमें से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दूसरा बॉडी उनमें से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इसका डेली लाइफ में आप ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप अपना कॉम से, जैसे हेयर को कॉम करते हैं, तो अगर आप कॉम को ऐसे अपने हेयर्स के, ड्राई हेयर्स के साथ अगर ऐसे रब करते हैं, तो यू विल फाइंड कि ऐसा करने के बाद कॉम को आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और जब आप कॉम को ऐसे रब करने के बाद उन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, तो यू विल सी कि कॉम उन कागज़ के टुकड़ों को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब कॉम क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। कॉम के ऊपर क्या हो गया, चार्ज अक्यूमुलेट हो गया है। एंड दिस इज हाउ दैट वी चार्ज ए न्यूट्रल बॉडी बाय रबिंग। तो ध्यान रखिएगा, रबिंग करते समय उनमें से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो बॉडी उनमें से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसको, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, सेकेंड वे की, तो हम बोल सकते हैं कि बाय कंडक्शन मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी। जो एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज्ड होगा, उसके कॉन्टैक्ट में अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी को लेकर के आएंगे, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, कंडक्शन का मतलब एक चीज़ समझ लीजिए आपको, कि आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी चार्ज बॉडी आपके पास है, मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी आपका, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये एक बॉडी है जो कि क्या है, न्यूट्रल है ये बॉडी, और मान लीजिए इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मान लीजिए मैं बी नाम दे देता हूँ, और अगर किसी कंडक्टर के थ्रू मान लीजिए मैं इनको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, और इसके पास मान लीजिए जो चार्ज था, लेट अस सपोज कि वो कितना चार्ज था, वो प्लस क्यू चार्ज था। तो अब अगर इसके पास प्लस क्यू चार्ज था इनको ज्वाइन करने से पहले, और जैसे ही मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या हो गया, इन दोनों बॉडीज के बीच में शेयर हो गया। और शेयर होने के बाद हुआ क्या, जो नई सिचुएशन में आपको दिखाई दिया, बॉडी ए जो ऑलरेडी चार्ज था इसके ऊपर भी चार्ज रहेगा, और बॉडी बी जो न्यूट्रल था उसके ऊपर भी चार्ज क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा। जो रिजल्टिंग न्यू चार्ज रहेगा वो ए बॉडी के पास कितना रहेगा, वो प्लस क्यू बाई टू रहेगा, और बी बॉडी के पास भी कितना रहेगा, प्लस क्यू बाई टू रहेगा। अगर इसी तरीके से मान लीजिए मैं बोल देता हूँ आपको कि मान लीजिए कोई सी बॉडी मेरे पास है जो कि अभी न्यूट्रल है, और सी और बी को मान लीजिए मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल, या फिर मैं उनको डायरेक्टली ऐसे टच कर देता हूँ, तो ऐसा करने से क्या होगा, बी बॉडी और सी बॉडी के बीच का बीच चार्ज की क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। और नया सिचुएशन जो हमें दिखाई देगा उसमें कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा कि ये जो बॉडी बी है आपका, इसके ऊपर जो चार्ज रह गया वो कितना रह गया, प्लस क्यू बाई फोर रह गया, और जो बॉडी सी है उसके ऊपर भी चार्ज अक्यूमुलेट हो चुका है अब, क्योंकि वो बी के कॉन्टैक्ट में आ चुकी है, तो उसके ऊपर भी रिजल्टिंग जो चार्ज होगा वो प्लस क्यू बाई फोर होगा। और इस तरीके से हम एक चार्ज बॉडी की हेल्प से एक न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ दैट वी चार्ज ए न्यूट्रल बॉडी। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन मेथड बोलेंगे। इसके लिए क्या बहुत ज़रूरी है, दोनों बॉडीज़ का फिजिकली कनेक्ट होना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है। तो ये दो तरीकों के बारे में अभी हमने बात किया। अभी हम थर्ड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि बाय
इंडक्शन। तीसरा जो मेथड है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, आपके पास मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये कोई भी ग्लास रोड है जो कि मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके नज़दीक मान लीजिए आपने एक अनचार्ज बॉडी रख दिया और आपने इस अनचार्ज बॉडी को एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। ये जो स्टैंड है ख्याल रखिएगा वो इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर मान लीजिए आपने इसको रख दिया। ये बॉडी मान लीजिए मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, इसको मान लीजिए मैं बी का नाम दे देता हूँ। तो मैंने ये बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं दिया है, ऐसा पिछले केस की तरह नहीं है कि बॉडी ए और बॉडी बी को मैंने आपस में टच कर दिया है, ऐसा नहीं है। तो बॉडी ए ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, बॉडी बी अभी क्या है, न्यूट्रल है। और जैसे ही मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज इस रोड को बॉडी बी के नज़दीक लेकर के जाता हूँ, तो जो बॉडी बी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि कैसा चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, वो किस एंड के ऊपर अपीयर हो जाएंगे, जो नियर एंड है बॉडी बी का उस तरफ वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ चला जाएगा, वो दूर वाले छोर की तरफ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अब मान लीजिए अब अगर मैं क्या कर देता हूँ, ऐसा रहने के साथ साथ मान लीजिए मैं इस वाले बॉडी के इस एंड को मान लीजिए मैं क्या कर देता हूँ, अर्थ कर देता हूँ। तो अर्थिंग का मतलब हुआ कि मैंने इस बॉडी का ये जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को इस बॉडी के बीच में और अर्थ के बीच में, किसके बीच में, अर्थ के बीच में शेयर कर दिया है। और अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि अगर आप समुद्र के अंदर एक बाल्टी पानी डाल देते हैं तो समुद्र के वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल भी लेते हैं समुद्र से तो भी उसके वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही कुछ हम लोग मान सकते हैं कि अर्थ इज़ ए ह्यूज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत बड़ा कंडक्टर है, इसे अगर हम थोड़ा बहुत चार्ज दे दें या थोड़ा बहुत चार्ज ले लें तो अर्थ को कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो अब हमने ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया है, अर्थ के साथ शेयर कर दिया है। नए सिचुएशन में आपको क्या दिखाई देगा, नए सिचुएशन में आपको दिखाई देगा कि ये चार्ज रोड ऐसे कैसे रखा है, ये बॉडी ऐसे कैसे इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखी है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर है, और यू विल फाइंड कि नियर वाले एंड पे कौन आ चुका है, वो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, और इधर के हिस्से का जो पॉजिटिव चार्ज था वो नीचे अर्थ को चला गया है। और अब अगर मैं इस सिचुएशन में इस चार्ज रोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ख्याल रखिएगा मैं बोल रहा हूं कि यहां से अगर मैं इस चार्ज रोड को क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, मान लीजिए मैं इसको दूर हटा देता हूं ऐसे, तो दूर हटाने के बाद क्या रहेगा, दूर हटाने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज नजदीक वाले एंड पे इकट्ठा हो गया था, टुगेदर हो गया था, ये चार्ज पूरे बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे तरीके से हर तरफ पूरे बॉडी पे फैल जाएगा ये चार्ज। तो आपको नए सिचुएशन में दिखाई देगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पूरे बॉडी के ऊपर क्या हो गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक चार्ज बॉडी की हेल्प से एक अनचार्ज बॉडी को जो कि बिल्कुल चार्ज नहीं थी उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। क्या रखना है आपको यहाँ कि आपने जो चार्ज जोड़ लिया था वो कैसा था, इस बारी उसका पोलैरिटी कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। और अगर आप पॉजिटिवली चार्ज जोड़ लेंगे तो आपका बॉडी कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिवली चार्ज हुआ है। सिमिलरली अगर आप ये काम कैसे करते, इस यहाँ अगर ये चार्ज जोड़ अगर आप नेगेटिवली चार्ज लेते तो यहाँ इसका ठीक अपोजिट प्रोसेस होता और ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आया होगा ये प्रोसेस, पर एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना सब बच्चों को समझ में आ गया है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए मैं एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड कंसिडर कर लेता हूँ और उसके नज़दीक मान लीजिए मैं एक ये बॉडी को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देता हूँ और मान लीजिए ये एक दूसरा बॉडी है, ये एक दूसरा बॉडी है, इसको भी मैं ऐसे ही सिमिलरली एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देता हूँ। हमें ख्याल क्या रखना है, मान लीजिए इस बॉडी को मैं नाम दे देता हूँ ए का, इस बॉडी को नाम दे देता हूँ बी का, इस बॉडी को नाम दे देता हूँ सी नाम मैं इसको दे देता हूँ। हमें क्या ध्यान रखना है कि बॉडी ए इज़ ऑलरेडी चार्ज्ड, बॉडी बी इज़ टोटली न्यूट्रल, बॉडी सी इज़ न्यूट्रल।
डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि अगर आप चार्ज्ड रोड को बिना इन दोनों कंडक्टर्स को दूर किए, बिना इन दोनों कंडक्टर्स को सेपरेट किए ही अगर आप क्या कर देते हैं, इस चार्ज रोड को हटा देते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए ऐसा कोई आपसे पूछ लेता है, तो जैसे ही आप ये चार्ज रोड इस कॉम्बिनेशन के, इन दोनों बॉडीज के नज़दीक लेकर के आते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा करते हैं कि आप इस चार्ज रोड को यहाँ नज़दीक ले आते हैं इस बॉडी के जो कि ऑलरेडी चार्ज है, ये बॉडी ए ऑलरेडी चार्ज है, और आप इसको इनके नज़दीक ले आते हैं और हटा देते हैं तो क्या होगा। क्वेश्चन ये था, जैसे आप इस रोड को इन दोनों बॉडीज के नज़दीक लेकर के आते हैं तो हुआ ये कि जो भी यहाँ एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स था, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों बॉडीज के, वो क्या हुए, वो इस नियर वाले एंड पे आकर के कंसंट्रेट हो गए और जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज था वो इस वाले बॉडी पे मान लीजिए रह गया। मान लीजिए हम बोल सकते हैं कि रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इतना आप सब लोग जानते हैं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ये था कि अगर इस चार्ज रोड को इन दोनों स्फीयर्स को या इन दोनों कंडक्टिंग बॉडीज को अलग करने से पहले ही अगर मैं इस चार्ज रोड को हटा दूं तो क्या होगा। मान लीजिए मैं इसको दूर कर देता हूं, मान लीजिए मैंने इसको रब कर दिया तो ये बॉडी हट गया। अब हुआ ये कि यहां क्या था, नेगेटिव चार्ज का एक्सेस था और यहां क्या था, पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस था। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये बॉडी भी न्यूट्रल था और ये बॉडी भी न्यूट्रल था, तो अगर ये न्यूट्रल थे तो इनके पास जो नेट चार्ज था, नेट चार्ज जो था वो कितना था बेटे, 0 कूलम था, क्योंकि ये बॉडी तो न्यूट्रल था, ये बॉडी भी न्यूट्रल था। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज देयर, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो पहले का चार्ज था वही बाद का चार्ज भी होना चाहिए, वट एवर द प्रोसेस टेक्स प्लेस, चाहे कोई भी प्रोसेस हुआ है, कोई भी इंट्रैक्शन किन्हीं भी बॉडीज के बीच में हुआ है, लेकिन पहले का चार्ज और बाद का चार्ज क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो अगर पहले का नेट चार्ज 0 था तो बाद का नेट चार्ज भी 0 होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां का नेगेटिव चार्ज यहां के पॉजिटिव चार्ज को फिर से अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब क्या हुआ कहने का कि ये बॉडी भी कंप्लीटली न्यूट्रल रह जाएगा, ये बॉडी भी कंप्लीटली न्यूट्रल रह जाएगा, और ये बॉडी भी क्या रह जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रल रह जाएगा। भाई क्या समझे आप लोग, मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया। हमने क्या देखा कि हमने एक चार्ज रोड रखा, चार्ज रोड को हम लोगों ने इन दोनों स्फीयर्स को अलग करने से पहले ही हटा दिया। हटाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि बॉडी बी और बॉडी सी दोनों की दोनों क्या रही, न्यूट्रल रही, क्योंकि उनके पास पहले क्या था, प्रोसेस होने से पहले क्या था, नेट चार्ज 0 कूलम था, तो बाद में भी क्या होना चाहिए, 0 कूलम होना चाहिए, ठीक है भाई। अब मान लीजिए इसी तरीके से आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपने जो ये चार्ज रोड है, मान लीजिए ये रख दिया इन दोनों बॉडीज के कॉम्बिनेशन के पास में, ये चार्ज रोड आपने रख दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो चार्ज पैदा होगा, जो चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा जो पैदा होगा, वो चार्ज इस इंड्यूसिंग चार्ज से, सबसे पहले आप समझिए यहां कि इंड्यूस्ड चार्ज कौन है जो पैदा होने वाला है, और इंड्यूसिंग चार्ज कौन है जिसकी वजह से पैदा होने वाला है। तो इंड्यूसिंग चार्ज कौन है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज जो ऑलरेडी चार्ज है बॉडी, और इंड्यूस्ड चार्ज कौन है जो इन बॉडीज के ऊपर चार्ज अपीयर होगा, अक्यूमुलेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज होगा। अब आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बॉडी बी और मान लीजिए बॉडी सी का जो साइज है इन दोनों बॉडीज का, मान लीजिए वो बहुत डिफरेंट है, मान लीजिए इनमें से मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी बी बहुत बड़ा स्फीयर है और बॉडी बी क्या है, छोटा सा स्फीयर है, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या जो इंड्यूस्ड चार्ज है तब भी इक्वल रहेगा दोनों बॉडीज के ऊपर। तो आपने आंसर क्या करना है, यस, कि हाँ दोनों बॉडीज के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो क्या होगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि हम लोग फिर से जानते हैं कि देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो कि बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हम जानते हैं कि बिफोर द प्रोसेस टेक्स प्लेस बॉडी बी इज न्यूट्रल देयर, बॉडी सी भी न्यूट्रल था, तो नेट चार्ज कितना था, 0 कूलम था, तो बाद में भी क्या रहना चाहिए, वो 0 कूलम रहना चाहिए। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया है। इसके बाद एक और सिचुएशन में हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर मैं बोलूं आपको कि आपने एक चार्ज रोड लिया,
चार्ज जोड़ आपने इन दोनों बॉडीज के नजदीक लेके गए। अब मैं बोलता हूं कि पहले आपको इन दोनों स्फीयर्स को अलग करना है, फिर इस चार्ज जोड़ को हटाना है। मेरा सवाल मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा से बोलता हूँ। ये चार्ज जोड़ है यहाँ पे, ये बॉडी बी है यहाँ, ये बॉडी सी है यहाँ। अब इस बारी मेरा क्वेश्चन है कि पहले मैं इन दोनों स्फीयर्स को अलग कर लेता हूँ, बाद में मैं रोड को हटाऊंगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मैंने पहले रोड को हटाना है, बाद में स्फीयर्स को अलग करना है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस पता लग गया है। चलिए बात करते हैं इस पे। जैसे ही आप इस चार्ज रोड को इन दोनों बॉडीज के नज़दीक लेकर के आए, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो वो किस एंड पे आकर के मतलब सिचुएट हो गया, वो उस एंड पे आकर के सिचुएट हो गया जो एंड बॉडी ए के नियर है, और जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज है वो किस एंड पे आकर के एक्यूमुलेट हो गया, जो एंड बॉडी ए से दूर है। अब हम इस बारी क्या करेंगे, मान लीजिए कि इस पॉजिटिव चार्ज को फिर से क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। फिर से इस चार्ज को हम लोगों ने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया भाई, सब बच्चे जान रहे हैं यहाँ। एंड अगेन अर्थ इज ए ह्यूज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको थोड़ा बहुत चार्ज दे दो या थोड़ा बहुत चार्ज ले लो तो इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप इन दोनों स्फीयर्स को पहले अलग करेंगे और फिर रोड को हटाएंगे, क्वेश्चन ये है। देन यू विल फाइंड कि जो बॉडी बी है, जो बॉडी बी है उसका नया सिचुएशन आपको, और जो बॉडी सी है उसका नया सिचुएशन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि बॉडी बी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है बेटे, वो क्या हो गया है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बॉडी सी के पास कैसा चार्ज रह गया है, पॉजिटिव चार्ज रह गया है, पॉजिटिव चार्ज रह गया है। और यहाँ क्या रखा है, अभी तक इसके नज़दीक में ये चार्ज रोड रखा है। और जैसे ही अब आप इस चार्ज रोड को हटाएंगे तो ये वाला सिनेरियो अब आपके सामने आएगा कि जो बॉडी बी के ऊपर नेट क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया, और बॉडी सी के ऊपर क्या रह गया, नेट पॉजिटिव चार्ज रह गया। मतलब आपने इस चार्ज रोड को हटा दिया है यहाँ से, तो बॉडी बी कैसा चार्ज हो गया आपका, नेगेटिवली चार्ज, और बॉडी सी कैसा चार्ज हो गया आपका, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। अब हम कुछ जनरल क्वेश्चंस करेंगे जिनके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि आपके पास एक बॉडी ए है, मान लीजिए जिसके ऊपर आपका चार्ज है, मान लीजिए प्लस थ्री, मान लीजिए मिली कूलम, मान लीजिए ऐसा मैं बोल देता हूँ, मिली कूलम बोल दिया मैंने, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि प्लस थ्री माइक्रो कूलम बोल दिया मैंने आपको। और मान लीजिए एक बॉडी बी है मेरे पास जिसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि माइनस टू माइक्रो कूलम है। और मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि बॉडी सी आपके पास है, मान लीजिए उसके पास कितना चार्ज है, प्लस फाइव माइक्रो कूलम है। और ये आपका मान लीजिए बॉडी ए है भाई, ये आपका बॉडी बी है, ये आपका बॉडी कौन है, सी है। ऐसे आपको गिवन है, और आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि आपने सबसे पहले क्या काम करा, ये ए बॉडी, ये बी बॉडी और ये सी बॉडी। आपने सबसे पहले क्या काम करा, मान लीजिए ए बॉडी को सी बॉडी के साथ टच कर दिया, ए बॉडी को किसके साथ टच कर दिया, सी बॉडी के साथ टच कर दिया। आपसे क्या पूछा गया कि बताइए नया चार्ज ए के पास कितना है और नया चार्ज सी के पास कितना है। तो अगेन मेरे ख्याल से सब बच्चों को इलेक्ट्रिक कंडक्शन का आइडिया ध्यान आ गया होगा मेरे ख्याल से सब बच्चों को। तो ए के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस थ्री माइक्रो कूलम, सी के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस फाइव माइक्रो कूलम। जो नेट चार्ज हो गया पूरे सिस्टम का वो कितना हो गया बच्चों, प्लस एट माइक्रो कूलम। और अभी मैं आपको बताया कि साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है साइज का, जो इंड्यूस चार्ज होता है या जो नेट चार्ज होता है वो साइज का इंडिपेंडेंट रहता है। तो नेट चार्ज कितना हो गया सिस्टम का, प्लस एट माइक्रो कूलम रह गया है। ये चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों बॉडीज के ऊपर। मतलब जो ए बॉडी के ऊपर नया चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, प्लस फोर माइक्रो कूलम। सी बॉडी के ऊपर जो नया चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, प्लस फोर माइक्रो कूलम। और बी बॉडी हमारा एज इट इज है जिसके ऊपर की कितना चार्ज था, माइनस टू माइक्रो कूलम। अब मान लीजिए आपको कोई बोल देता है कि आपका ये ए का नया सिचुएशन है, ये बी का नया सिचुएशन है, ये सी का नया सिचुएशन है। अब मान लीजिए आपको कोई बोल देता है कि आपने बॉडी बी और सी को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया या इन लोग को टच कर दिया। तो अगेन आपको फिर से वही प्रोसीजर
लागू करना है। जो सिस्टम का नेट चार्ज है बेटे वो कितना रह जाएगा इस केस में, प्लस 2 माइक्रो कूलम रह जाएगा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ रहा है। इसके बाद बी के ऊपर जो नया नेट चार्ज होगा वो मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ रहा है, दैट इज प्लस 1 माइक्रो कूलम। और सी के ऊपर कितना चार्ज रह जाएगा, दैट इज प्लस 1 माइक्रो कूलम। ये बॉडी सी का नया सिचुएशन है और ये बॉडी बी का नया सिचुएशन है, और ये है बॉडी ए जो कि पहले से सिचुएशन में था, प्लस 4 माइक्रो कूलम। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई अब आप बताइए ए बॉडी और बी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो आप देख पाएंगे कि बॉडी ए के ऊपर जो नेट चार्ज अभी है वो किस पोलैरिटी का है, किस नेचर का है, पॉजिटिव है वो। बॉडी बी के ऊपर भी कैसा है, वो पॉजिटिव है। हालांकि जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो बॉडी बी की चार्ज की पोलैरिटी कैसी थी, नेगेटिव थी। अब मान लीजिए आपसे मैं पूछ रहा था कि बताइए ए बॉडी और बी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को आराम से इसका आंसर पता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आप सब लोगों को प्रैक्टिस करने चाहिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड होगा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया है। इसी तरीके से आपको ये भी पूछ सकता था कि बताइए बॉडी ए और बॉडी सी एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, बॉडी बी और बॉडी सी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। और अब मैं चाहूँ तो आपका बहुत सारा टाइम पास कर सकता हूँ, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं बना करके दे सकता हूँ आपको, पर मेरे ख्याल से आप सब बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। नहीं तो ये तो हो गया भाई चार्जिंग का खेल, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आगे हम एक लो को स्टडी करते हैं, और मेरे ख्याल से आप सब लोग लो के नाम से वाकिफ हैं, दैट इज कूलम्स लो। कूलम्स लो, लो के बारे में भाई पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। लो क्या है, लो जो डेवलप करे जाते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डेवलप करे जाते हैं, ना आप उसमें कुछ कर सकते हैं ना मैं उसमें कुछ कर सकता हूं। इट्स ए टर्मिनोलॉजी जो पढ़नी पड़ेगी, मतलब जो चीज याद रखनी पड़ेगी। और कूलम्स लो क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, जो लो डेवलप करे जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, हमें सिर्फ उसको याद रख करके आगे बढ़ना है। तो कूलम्स लो क्या बोलता है, कूलम्स लॉ सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस। कैसे चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस का मतलब जो चार्ज बॉडीज हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोज आर मस्ट बी एट रेस्ट। वो कहाँ होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। स्टेशनरी चार्जेस के लिए ही सिर्फ ये लॉ एप्लीकेबल है। और एक पॉइंट चार्ज मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे आप सब लोगों ने प्लस वन मैकेनिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो आप कभी भी किसी बॉडी को कैसे कब पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की संज्ञा देते थे, या किसी बॉडी को कब पॉइंट मास बोलाते थे, जब कोई भी बॉडी अपने साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ट्रेवल कर चुकी होती थी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वट एवर यू कॉल इट, वो ट्रेवल कर चुकी होती थी, तो आप उस बॉडी को किसकी तरह ट्रीट करना शुरू कर देते थे, पॉइंट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते थे। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल हेयर, कि हम जो चार्जेस की स्टडी करेंगे वो हम ऐसा मान करके चलेंगे कि वो चार्जेस कहां सिचुएटेड है, वो एक सिर्फ पॉइंट पे सिचुएटेड है। अभी पिछले एग्जांपल्स में मैं आपको कुछ इस तरह के बॉडीज के साइज बना करके दिखा रहा था, तो ये दिखाने का मतलब सिर्फ आपको समझाने का था, हालांकि हम इन बॉडीज को कुछ इस तरह के पॉइंट्स की संज्ञा भी देने वाले हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, आप खुद भी समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कूलम्स लॉ में। तो कूलम सर ने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बोला कि भाई मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, मान लीजिए मैं इस चार्ज को Q1 बोल देता हूँ, और मान लीजिए मैं इस चार्ज को क्या बोल देता हूँ, Q2 बोल देता हूँ, और ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस दूर पे रखे हुए हैं, एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मान लीजिए ये वो लाइन है जो दोनों
पॉइंट चार्जेस को क्या कर रही है भाई, ज्वाइन कर रही है। और मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि ये जो दोनों के दोनों चार्ज हैं वो कैसे हैं, वो लाइक चार्जेस हैं, या तो ये भी पॉजिटिव है, या फिर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं। सब बच्चे जानते हैं इस बात को, रिपेल करने का मतलब क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। क्या Q1 चार्ज Q2 पे कोई फोर्स एग्जर्ट करेगा? हाँ, अगर Q1 Q2 पे कोई फोर्स एग्जर्ट करेगा तो वो किधर फोर्स एग्जर्ट करेगा? मेरे ख्याल से सब बच्चों को आइडिया आ गया होगा, वो Q2 पे इस तरफ को क्या लगाएगा बेटा, फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसको बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, क्या Q2 Q1 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा? जी हाँ बिल्कुल लगाएगा। Q2 Q1 को किस तरफ फोर्स लगाएगा, किस तरफ धकेलेगा? वो भी इस तरफ धकेलेगा। वो भी कितना फोर्स लगाएगा भाई? वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना Q1 ने Q2 पे लगाया। Q2 कितना लगाएगा भाई Q1 के ऊपर? Q2 भी उतना ही लगाएगा भाई जितना Q1 ने Q2 पे लगाया। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया है। ये दोनों फोर्सेस के बारे में हमें एक चीज पता चली कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, बिल्कुल सेम है दोनों का। जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 क्या कर रहा है, Q1 के ऊपर लगा रहा है। एक चीज क्लियर हो गया हमारा। क्या दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं एक दूसरे के? जी हाँ बिल्कुल, दोनों फोर्सेस क्या हैं एक दूसरे के? अपोजिट हैं। एक इधर एक्ट हो रहा है तो एक इधर एक्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से सब बच्चों को दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा सा नया सिचुएशन कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये मैं बोल देता हूँ चार्ज Q1, मान लीजिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ, चार्ज Q2, और मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस दूर ऐसे रखे हैं। अब इस बारी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि दोनों चार्जेस कैसे हैं बेटा आपके, अनलाइक चार्जेस हैं। अब मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते हैं कि अगर दोनों चार्जेस अनलाइक हैं तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब, क्या Q1 Q2 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा? जी हाँ बिल्कुल लगाएगा। Q1 Q2 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं हम इसको। क्या Q2 Q1 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा? जी हाँ बिल्कुल लगाएगा, वो इसको अपनी तरफ ऐसे आकर्षित करेगा। अगेन इट्स Fe, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी फिर से हम लोगों ने ये देखा कि क्या ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है? जी हाँ बिल्कुल बराबर है। जितने फोर्स के साथ Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है उतने फोर्स के साथ Q2 भी Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे के फिर से अपोजिट हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या हैं बेटे, अपोजिट हैं। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? कैसा पेयर बोल रहा हूं मैं, गौर से सुनिएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसा बोला मैंने आपको, एक्शन रिएक्शन पेयर। ऐसा तो हमें कुछ ध्यान आ रहा है प्लस वन क्लास में पढ़ा हुआ। क्या ध्यान आ रहा है कि दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहे हैं। क्या Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा है? जी हाँ बिल्कुल। क्या Q2 के ऊपर Q1 फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल, मतलब दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहे हैं। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर है, और दोनों फोर्स क्या हो गए, इसका मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। तो इसका मतलब जो ये फोर्सेस हैं जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा इनको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे हम इनको, ध्यान से सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की हम इनको संज्ञा देंगे, मतलब नाम देंगे इनको फोर्सेस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किस लॉ को ऑब्वे करते हैं? मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता लग गया होगा, ये ओबे करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। किसको ओबे करते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मेरे ख्याल से सब बच्चों को न्यूटन्स थर्ड लॉ का डेफिनेशन याद आ गया होगा, मैं फिर से बोल देता हूं, न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई। इस तरह का ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे करी गई हैं, एक्सपेरिमेंटली करी गई हैं। क्या परफॉर्म किया गया है इनके ऊपर, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, और फिर ये वहां से चीजें निकल करके बाहर आई है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, मान लीजिए एक बच्चे ने बोला कि भाई मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज क्या है Q2 है, ये चार्ज Q1 है भाई, ये चार्ज क्या है बेटे Q2 है, और मान लीजिए ये ऐसे रखे हैं कुछ दूरी दूर रखे हैं, कुछ डिस्टेंस दूर रखे हैं एक दूसरे से, और मान लीजिए Q2 जो है वो Q1 के ऊपर क्या करता है, मान लीजिए बेटा इस दिशा में एक फोर्स मान लीजिए F लगाता है, या Fe, व्हाटएवर यू कॉल इट,
और मान लीजिए Q1 भी क्या करता है, Q2 के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स Fe लगाता है। और आपसे पूछा गया कि क्या ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन को ओबे करते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को आंसर पता लग गया। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं क्योंकि जितना फोर्स Q1 ने Q2 के ऊपर लगाया है उतना ही फोर्स Q1 ने Q2 के ऊपर भी लगाया है। ठीक है भाई, पर फिर से मेरे ख्याल से सकते क्योंकि हमने कुछ मेरे ख्याल से मिस कर दिया है। और क्या चीज़ हमने मिस कर दिया उसको जरा गौर से सुनिएगा, क्या मिस कर दिया हम लोगों ने कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं दे ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मैं फिर से बोल देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किस लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं, उस लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं बेटा जो लाइन किन को ज्वाइन करती है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इस लाइन के अलोंग ही क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्ट होंगे। नो डाउट ये फोर्स और ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई, पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा प्लीज आप यहां। मतलब हमें एक और चीज पता लगी, क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो कैसे फोर्सेस भी होते हैं, वो होते हैं बेटा सेंट्रल फोर्सेस। वो कैसे फोर्सेस हम उनको बुलाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस बुलाते हैं। मतलब वो उस लाइन के अलोंग एक्ट होते हैं जो लाइन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को क्या करती है, ज्वाइन करती है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ उसी के अलोंग क्या होते हैं, एक्ट होते हैं। और ये सारी बातें कैसे हमें पता चली, ये सारी बातें हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चलती हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि कूलम्स लॉ में और क्या क्या बोला गया और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली गई। जो ऑब्जर्वेशंस ली गई उस पर हम बात करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस ली गई। हाँ जी बेटा, तो हम लोग क्या कर रहे थे, कूलम्स लॉ के ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे थे। अभी दोबारा से बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1 यहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए ये एक दूसरा चार्ज है Q2 ये यहाँ रखा हुआ है, और मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, लेट्स सपोज इट इज R। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हम इस चीज़ से ऑलरेडी वाकिफ हैं। तो जो ये फोर्स लगाते हैं, जिसको कि अभी हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, खास ध्यान रखिएगा मैं अभी उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या है मैग्नीट्यूड है, वो जो मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का, उसके बारे में क्या पाया गया कि वो मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। क्या पाया गया भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन वन मान लेता हूँ। अगेन एक बारी फिर से ऑब्जर्वेशंस ली गई और पाया क्या गया कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वन बाय आर स्क्वायर के। या आप कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये ऑब्जर्वेशंस ली गई भाई। ये दो ऑब्जर्वेशन से पता पड़ा, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा लेते हैं साइन को हटा करके, दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का क्या आ गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। जो ऑब्जर्वेशंस ली गई एक्सपेरिमेंट से उनको हमने किस में बदल दिया, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में बदल दिया, और एक फॉर्मूला निकल करके हमारे सामने आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्केयर, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्केयर। K क्या है यहाँ पे, ये कूलम कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जहाँ पर K का जो वैल्यू है बेटे, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, K का जो वैल्यू है दैट इज वन, अगर हम कौन से सिस्टम में मेजर करते हैं, CGS सिस्टम में मेजर करते हैं, तो K का वैल्यू क्या लेना है आपको, 1 लेना है। और उस केस में हम लोग क्या करेंगे,
उस केस में हम लोग एफ को डिफाइन करेंगे, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू के क्या वैल्यू हम लोगों ने 1 रख दिया, दैट इज क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जो फोर्स है वो इतने डायन्स का रहेगा, मेरे ख्याल से सब बच्चों को सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट पता है, दैट इज डायन। अब अगर मैं इस के को मेजर करता हूं बेटे, किसमें मेजर करता हूं, मैं इसको एसआई सिस्टम में मेजर करता हूं, तो इस के को लिखा गया दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ये किसमें मेजर किया गया बेटे, एसआई सिस्टम में मेजर किया गया, और एसआई सिस्टम में इस के का जो वैल्यू आया, इस के का क्या आया, जो वैल्यू आया वो क्या आया, वो आया दैट इज 9×10⁻¹। वो कितना वैल्यू आया बेटे, 9×10⁻¹। तो हम इसको फोर्स को क्या लिख देंगे फिर से एसआई सिस्टम में, दैट इज 9×10⁻¹⁹ × क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या आर स्क्वायर। ये फोर्स आ गया बेटे, किसमें आ गया, फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता है, ये फोर्स आ गया बेटे किसमें, न्यूटन्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन, प्लस वन में पढ़ चुके हैं आप ये सब। यहां फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या था, डायन्स। प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट कर लेते हैं कि जब हमने यहां के रख दिया है तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट का यूनिट भी जान लेते हैं भाई, कि इसका यूनिट क्या है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में क्या करता हूं, के को यहीं रख लेता हूं, देन आई विल सी कि एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू वन क्यू टू आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ गया बेटे, के इक्वल आ गया। तो अगर मैं के का क्या देना चाहूं, यूनिट देना चाहूं, तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता है के का ऐसे सिस्टम में यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट क्या बन गया बेटे, न्यूटन बन गया। डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं ऐसे सिस्टम में, मीटर में मेजर करते हैं, दैट इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है यहां। चार्ज को किसमें मेजर करते हैं ऐसे सिस्टम में, कल बताया गया था आपको पिछले लेक्चर में, वो क्या था बताइएगा, कूलम में। तो कूलम इंटू कूलम कितना बन गया बेटे, कूलम स्क्वायर। तो यहां के का जो यूनिट आ गया बेटे वो कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम इस के को कंप्लीटली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ में आ गया है। अब हम यहां भी बात कर लेते हैं कि यहां हमने के को लिखा था 1/4πε0। आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्या प्रनाउंस कर रहा हूं, एप्साइलन नॉट। ये एप्साइलन नॉट क्या है बेटे, ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी है जिस मीडियम में आपके ये दोनों चार्जेस रखे गए हैं। आपको यहां ये खास ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो कैसे फोर्सेस हैं बेटे, मीडियम डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने उन दोनों चार्जेस को किस मीडियम में रखा है। एप्साइलन नॉट का जो मतलब रहेगा वो आप सब बच्चों को याद रखना है, एप्साइलन नॉट को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट, क्या नाम बोलेंगे इसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि फ्री स्पेस का मेरे ख्याल से बच्चों को पता है कि आप फ्री स्पेस को क्या भी बोल देते हैं, वैक्यूम भी बोल देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां पे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को आप क्या भी बोल सकते हैं बेटे, वैक्यूम बोलना चाहे वैक्यूम बोल सकते हैं, एयर बोलना चाहे एयर बोल सकते हैं। जिसका जो कि वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो कितना रहा, एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड कि इसका जो वैल्यू रहा बेटे वो कितना रहा, दैट इज 8.854×10⁻¹-12। ये सब बच्चों को याद रखना है, ये वैल्यू बहुत जरूरी है बेटे। मैं फिर से प्रनाउंस कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू है 8.854×10⁻¹-12। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, के का वैल्यू पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूला में। हमारे पास फॉर्मूला है भाई, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें पता पड़ा कि के का वैल्यू कितना है बेटे, दैट इज 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम चाहें तो इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसको मान लीजिए आप ऊपर ले गए इधर, तो एफ नीचे आ गया भाई, सब बच्चे जान रहे हैं ये बात, 1/4πε0 ऊपर चला गया, एफ नीचे आ गया, इंटू क्या,
q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब बच्चे इस फॉर्मूला से क्या निकाल देंगे, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाल देंगे। सब बच्चे जान रहे हैं कि 1/4π क्या है, यूनिट लेस कॉन्स्टेंट है, ये तो फिक्स वैल्यू है। 4 इज ए कॉन्स्टेंट इट सेल्फ, पाई इज ए कॉन्स्टेंट इट सेल्फ, तो ये यूनिटलेस चीज़ें हैं। यहाँ मेरे ख्याल से सब बच्चे मेरे को इसका यूनिट बताएंगे। चार्ज को किस में मेजर करते हैं सही सिस्टम में, कूलम में। कूलम इंटू कूलम क्या बन गया बेटे, कूलम स्क्वायर बन गया अपॉन फोर्स का यूनिट। एसआई सिस्टम में क्या रहा बेटे, न्यूटन रहा। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या रहा बेटे, मीटर स्क्वायर रहा। अभी अभी हम लोगों ने पता किया 4 × 10⁻¹2, तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिल नॉट को कि एप्सिल नॉट बराबर है 8.854 × 10⁻¹2 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक का सब बच्चों को समझ में आ गया है, मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक नया यूनिट है, नया सेगमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी का आपका 11th में कोई टॉपिक रहा नहीं है, तो कुछ यूनिट और डायमेंशन जैसी चीज़ों की भी हम इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी बेटे हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा। तो चार्ज को हम लोगों ने कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट किया। उसका एसआई सिस्टम में यूनिट तो हमें पता चल गया कि उसका एसआई यूनिट क्या है, कूलम है, पर अभी तक हमें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है। तो आप लोगों को 11th रिवाइज करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तो पढ़ चुकी है, पढ़ ली है वहां पे, मास, लेंथ और टाइम। वैसी ही एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, और मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना आइडिया रहेगा कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इट्स अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई इज इक्वल्स टू कितना बेटे, क्यू बाय टी। यहां से हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब हम इसका क्या कर लेंगे, यहां से डायमेंशन बना लेंगे बेटे। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कि जो चार्ज का जो डायमेंशन रहेगा बेटे वो क्या रहेगा। यहाँ मास इन्वॉल्व नहीं है तो m का पावर क्या रहेगा बेटे, 0। यहाँ लेंथ भी इन्वॉल्व नहीं है तो l का पावर भी क्या रहेगा बेटे, 0। क्या यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है, जी हाँ यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है, तो t का पावर क्या रहेगा बेटे, 1। क्या यहाँ पे करंट इन्वॉल्व है, जी हाँ। करंट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, a यूज करेंगे बेटे। मेरे ख्याल से सब बच्चों को आइडिया आ गया। आप अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया चार्ज का, आप इसको सिंपली AT लिख सकते हैं। कई सारे बुक्स में सिंपल डायरेक्ट ऐसे AT लिखा होता है, तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चे मेरे को नेक्स्ट लेक्चर के पहले एप्सिल नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, या आपके सामने उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, मेरे ख्याल से सब बच्चे मेरे को एप्सिल नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल करके दिखाएंगे। दिखाएंगे सब बच्चे, जी हाँ बिल्कुल। चलिए इस तरीके से मेरे ख्याल आप सब लोग कर लेंगे, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम छोटा सा सवाल करते हैं एक, विच इज बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। मान लीजिए अब आपको कोई ऐसे सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि भाई आपके पास दो चार्जेस हैं, आपके पास कितने चार्जेस हैं, कोई भी दो चार्ज हैं। मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि एक चार्ज आपके पास 2 कूलम का है, एक मान लीजिए 4 कूलम का है, और मान लीजिए वो दोनों कितना सेपरेशन के अलोंग रखे गए हैं, मान लीजिए 1 मीटर का सेपरेशन उन लोग के अलोंग है। मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1, मान लीजिए कितने का बेटे, 2 कूलम का। मान लीजिए ये क्या है बेटे, दूसरा चार्ज है आपका Q2, मान लीजिए कितना है, 4 कूलम। और मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों कितने दूर रखे हैं एक दूसरे से, r बराबर है 1 मीटर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कहाँ रखे गए हैं दोनों चार्जेस, फ्री स्पेस में अभी रखे गए हैं। अभी हम जितने भी क्वेश्चंस कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड करेंगे वो जनरली मैं आपको फ्री स्पेस में ही करवाऊंगा, जहाँ भी मीडियम की प्रॉपर्टी आएगी उसको हम बाद में पढ़ेंगे, वो अच्छा एक बढ़िया सेगमेंट है, उसको हम बाद में डील करेंगे। जनरली मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा, याद रखिएगा, वो फ्री स्पेस या वैक्यूम का ही रहेगा। और आपसे पूछा गया कि सबसे पहले आप ये बताइए, ये दोनों चार्जेस या चार्ज पार्टिकल्स क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता पड़ रहा है कि ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटे, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं बेटे, आपके लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस बेटे एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर आपसे मान लीजिए ये भी पूछ लिया गया कि बताइए भाई, अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो कितने फोर्स के साथ वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया गया, तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा,
कूलम्स लॉ के ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डराइव किया, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्केयर, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्केयर। और अभी तक हम लोग क्या फोर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम सिर्फ फोर्स के किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता पड़ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या टू कूलम फोर कूलम के ऊपर किस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो सब बच्चे बता देंगे कि सर ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है। आपसे सिमिलरली पूछ लिया जाए कि फोर कूलम टू कूलम के ऊपर किस तरफ को फोर्स लगा रहा है, तो मेरे ख्याल से सब बच्चे बता देंगे कि इस तरफ को फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्या आप डायरेक्शन बड़े आराम से ढूंढ पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप आराम से डायरेक्शन देख ले पा रहे हैं, और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम उस फोर्स का क्या भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को मेरे बताने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया है, बहुत बढ़िया। दैट इज एफ इज इक्वल्स टू, हम के की टर्म्स में आंसर देंगे बेटा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और सेगमेंट लंबा है, तो मैं के की टर्म्स में आपको आंसर दूंगा। दैट इज के इंटू, जी हाँ, पहला चार्ज बताइए कितना, टू कूलम। दूसरा चार्ज बताइए कितना, फोर कूलम अपॉन किसका स्केयर बेटे, वन का स्केयर। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता लग गया कि कितना फोर्स है बेटे, एट के फोर्स के साथ दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब इस तरह के मैं आपको क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे सकता हूँ। मैं फिर से आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, ख्याल रखिएगा इस बात का। उससे पहले आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप सब लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं आपको, मान लीजिए वो आपको ऐसा बोल सकता है कि इन चार्जेस को क्या कर देगा, वो डबल कर देगा, तो बताइए नया फोर्स कितना होगा, कितने टाइम्स होगा पुराने फोर्स के। मेरे ख्याल से सब बच्चे कर पाएंगे। ऐसा भी बोल सकता है कि मान लीजिए डिस्टेंस उसने हाफ कर दिया, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ा। मान लीजिए वो बोल सकता है कि डिस्टेंस को उसने डबल कर दिया, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ और जनरलाइज चीजें पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आपके पास मान लीजिए, मैं बोल देता हूं कि कोई भी दो चार्ज है, एक चार्ज है क्यू वन और दूसरा चार्ज क्या है बेटे, क्यू टू। और आपको किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट लिखा है किसी ने कि Q1 Q2 is greater than zero, और आपसे पूछा है जी signify it, मतलब इसका मीनिंग बताइए क्या है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इसका मीनिंग मेरे बताने से पहले ही पता पड़ चुका है, अगर नहीं तो हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। हमें दिखाया गया है कि यहाँ Q1 Q2 के साथ मल्टीप्लाई है, और इन दोनों कि मल्टीप्लीकेशन दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो वो एक क्या है, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी आने के कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मैं मानता हूं कि Q1 मैंने क्या मान लिया बेटे, पॉजिटिव मान लिया, Q2 भी मान लीजिए मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। तो मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या वो ग्रेटर आएगा जीरो से? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि मैंने Q1 को क्या मान लिया बेटे, नेगेटिव, Q2 को क्या मान लिया बेटे, नेगेटिव, तो क्या मैं नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी ये जीरो से ज्यादा आएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये जीरो से ज्यादा आएगा। तो ये चीज हमें क्या सिखाई बेटा, ये चीज हमें क्या सिखाई कि दोनों चार्जेस बेटे कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में एक्ट होने वाला फोर्स कैसा है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव? जी हाँ, बिल्कुल, कैसा है बेटे, रिपल्सिव फोर्स, आप ऐसे बता सकते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया है। अब सेकेंड पे मान लीजिए आपको यही स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, दैट इज क्यू वन क्यू टू इज लेस देन जीरो, मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, इसको भी आपने सिग्निफाई करना है, मतलब बताना है इसका क्या है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चे इस तरीके से कर पाएंगे इसको। मेरे ख्याल से सब बच्चे जान पा रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं बेटा, अनलाइक चार्जेस हैं, इनके बीच में कैसा फोर्स एक्ट होने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में क्या होने वाला है बेटे, एप्लीकेबल होने वाला है इन दोनों चार्जेस के बीच में। सब बच्चे इतना सब कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी आपके बुक में मिलेंगे सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके रखने हैं। इसके बाद का जो सेक्शन है वो हमें आपको 5-7-10 न्यूमेरिकल्स जो कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना सब करके रखिएगा प्लीज। थैंक यू।